डियर स्टूडेंट, आरसीआई एजु हब बांसु की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन बात कर रहे थे टॉपिक के अंदर एल्कोहल निर्माण की विधियों में, जिसमें अपन टर्शियरी एल्कोहल निर्माण की विधियां चल रही थी, उसी का नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, फॉर्मिक अम्ल के अलावा अन्य अम्ल के एस्टर से क्रिया द्वारा। देखिए, फॉर्मिक अमल के अलावा अन्य अमल के एस्टर से क्रिया द्वारा फॉर्मिक अमल के अलावा अन्य अमल के एस्टर से क्रिया द्वारा किस प्रकार से 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। देखें एग्जांपल में RMGX गिरनार रिएजेंट, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है CH3C(OOC)2H5। इसको बोलते हैं फॉर्मिक अमल का एस्टर, फॉर्मिक अमल के अलावा अन्य एस्टर, जैसे C(OO) इसको बोलते हैं एस्टर फंक्शनल ग्रुप। यहां पे कौन जुड़ा हुआ है? एल्किल। यहां पे कौन जुड़ा हुआ है? एल्किल। तो ये एथिल है और ये क्या है? मेथिल। एथिल मेथिल एस्टर बोल सकते हैं इसे, एथिल मेथिल एस्टर। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो देखो यहां से बॉन्ड का डिस्कनेक्शन होगा, इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियली नेगेटिव। इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव। यहां से बॉन्ड डिस्कनेक्ट हुआ, इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव। इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियली नेगेटिव। यानी कि आंशिक ऋणावेश आंशिक धनावेश, यहां पे क्या आ जाएगा? आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश। तो देखो यहां पे ये पॉजिटिव जो पार्ट है वो वहां पे जुड़ जाएगा नेगेटिव पे, और ये जो नेगेटिव पार्ट है वो कहां पे जुड़ जाएगा? इस पॉजिटिव पे। तो देखो यहां से क्या बन जाएगा? R यानी कि CH3CO यहां पे जुड़ जाएगा MgX, यहां पे OC2H5 ऐसे केस, और इसी पर कौन जुड़ जाएगा? R। अब नेक्स्ट में तनु एसिड की प्रेजेंस में आगे रिएक्शन करवाते हैं। तो देखो यहां से क्या होता है? इस बॉन्ड का यहां से डिस्कनेक्शन होता है, इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव। यहां पे क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव। यहां से बॉन्ड टूटा, इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियली नेगेटिव। यहां पे क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव। देखो यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या हो जाएगा? बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहां पे MgX Mg पॉजिटिव की ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा नेगेटिव का, तो ये आउट हो जाएगा आपका MgX OC2H5। ये वाला पार्ट बन जाएगा आपका CH3 ऐसे के ऐसे, C डबल बॉन्ड O यहां पे R, कीटोन बन जाएगा यहां से, इसका नाम क्या हो जाएगा? कीटोन। अब एस्टर के साथ गिरनार अभिकर्मक के कितने मोल अभिक्रिया करते हैं? 2 मोल। तो 1 मोल के बीच में आपने अभिक्रिया संपन्न करवा ली, तो सेकंड मोल में लेते हैं गिरनार रिएजेंट का सेकंड मोल RMGX। कैसे रिएक्ट हो जाएगा? यहां से बॉन्ड टूटा, यहां पे क्या आएगा? पार्शियली नेगेटिव। यहां पे क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव। देखो यहां से बॉन्ड टूटा, यहां पे क्या आएगा? पॉजिटिव। यहां पे क्या आएगा? नेगेटिव। ओ नेगेटिव में क्या जुड़ जाएगा? ये वाला पॉजिटिव पार्ट जुड़ जाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा? CH3CO ये MgX, यहां पे ये R, और इसी पॉजिटिव पर क्या जुड़ जाएगा? ये R नेगेटिव, यहां पे R। उसके बाद में क्या करवाएंगे? हाइड्रोलाइसिस करवा दे इसका तनु एसिड की प्रेजेंस में, तनु एज ए प्लस की प्रेजेंस में यहां से मैंने करवाया हाइड्रोलाइसिस। यहां से कैसे टूट जाएगा? एच पॉजिटिव, यहां पे क्या आएगा? एच नेगेटिव। तो देखो यहां से बॉन्ड टूटा है, यहां मेटल पे क्या आएगा? पॉजिटिव। यहां पे क्या आएगा? नेगेटिव। देखो यहां पे OA- माइनस पे क्या जोड़ देंगे? एच प्लस, और Mg प्लस पे क्या जुड़ जाएगा? OH नेगेटिव। ये कंपाउंड बन जाएगा आपका CH3COHR, और यहां पे C पे क्या जुड़ जाएगा? R। MgX पॉजिटिव पे क्या जुड़ जाएगा? OH। MgXOH इसका नाम क्या हो जाएगा? क्षारीय मैग्नीशियम हैलाइड, और ये है आपका एल्कोहल है, OH समूह से जुड़ा हुआ जो ये कार्बन है, वो कितने कार्बन से जुड़ रहा है? 1, 2, 3। इसका मतलब कैसा एल्कोहल कहलाएगा? ये 3 डिग्री एल्कोहल। ये है आपका फॉर्मिक अमल के अलावा अन्य अमल से एस्टर से क्रिया के दौरान 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण। क्या होता है इसमें? गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया
फॉर्मिक अम्ल के अलावा अन्य एस्टर जैसे एथिल मेथिल एस्टर के साथ शुष्क ईथर की प्रेजेंस में करवाई जाती है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, योगज बन जाएगा। उस योगज का तनु H+ की उपस्थिति में यहाँ से क्या करवा दे, हाइड्रोलाइसिस करवा दे, तो किसका निर्माण हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपन बात करेंगे, तो ये आपका जो चल रहा था गिरनार अभिकर्मक के द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहलों का जो निर्माण करना था वो तीनों पॉइंट पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोनों के अपचयन से किस प्रकार अल्कोहलों का निर्माण होता है। तो देखिए यहां से नेक्स्ट पॉइंट में एल्डिहाइड कीटोनों के अपचयन से किस प्रकार बनता है,